से गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ इशूज़ पे, सी पैक का इशू इनसे डिस्कस करेंगे कि आया हुकूमत ने वो मुतमईन कर दिया, किया तो किस हद तक किया। उसके अलावा जो आज एक इतना बड़ा स्वीयर मिस है, हम उन्हें कहेंगे कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब में पाकिस्तान का जो नक्शा है उसी में तब्दीली हुई और वजीर आजम वहाँ मौजूद हों और उनको पता ना लगे और सब तमाम मशीनरी को पता ना लगे, उस पर बात करेंगे। और आखिर में टी ओ आर के हवाले से भी प्रोफेसर से बात करेंगे और पूछेंगे कि टी ओ आर के हवाले से जो हुकूमत इस वक्त बैक फुट पे है, इस वक्त जो बैक फुट है उसको कैसे कवर करेंगे। वही प्रोफेसर को आपने टाइम दिया, ये हमारे ये कहा सबसे पहले कि सी पैक के ऊपर आप प्रोटेस्ट भी करते रहे, आपकी बड़ी इस पर एक तमाम जमातों को आपने मुतफिक भी किया, हुकूमत ने आपको आने वाले बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यकीन दहानी कराई है कि सी पैक का मामला जो है उसमें आपको बातों को तस्लीम किया गया और उसका फंड बिलखसूस रखा गया या नहीं। बिस्मिल्लाह, सी पैक हमारे सूबे के लिए बहुत बड़ा इशू बन गया है और ये इस इशू पर हमारे सूबा सारे इकट्ठे थे, बहुत सारी सियासी क्यादत इकट्ठी थी, हमारे पार्लियामेंट में सब इकट्ठे थे और ये इशू 2015 मई में जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई उससे पहले हमें पता चला तो सबने ये डिमांड किया कि इसका ऑल पार्टीज का कॉन्फ्रेंस होना चाहिए और वेस्टर्न रूट जो सबसे शॉर्ट भी है और सबसे पसमानदा इलाका भी, इसको सबसे आगे बढ़ना चाहिए। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला हो गया कि हाँ ये वेस्टर्न रूट है सीखने का पार्ट। 5-6-8 महीने हम मालूम करते रहे जदोजहद करते रहे लेकिन कभी भी हमें ये इतला नहीं मिली कि ये सीखने का हिस्सा है। फिर हमने डिफरेंट मीटिंग्स की, इतजाज किया, जुलूस निकाले, तब जाके एहसन इकबाल साहब से मेरी चंद मीटिंग्स हुई। उसमें हमने उनको ये कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है वेस्टर्न रूट फर्स्ट बनेगा। अब आखिरी मीटिंग जो मेरी हुई उसमें एक मिनट शायद हो गए, उसमें वो एग्री कर गए कि बुरहान से ये खान तक ये रूट बनेगी। इस पर तो पहले भी एग्री थे, नीचे का रोड है, हम रोड नहीं चाहते थे, हम रूट चाहते हैं जिसमें और भी फैसिलिटीज होती, वो एग्री हो गए कि सी पैक का ये हिस्सा होगा। फिर हमने उनसे ये भी एग्री कर दिया कि जो क्योंकि उधर से बुरहान से जंड तक रोड उन्होंने रखी थी जो पंजाब में थी, और जंड से कुहाड़ तक उन्होंने छोड़ दी, वो भी हमने उनसे डलवा दी, सी पैक का हिस्सा कर दिया। और पेशावर से डी ए खान तक भी मोटरवे बनेगी, उसको अपग्रेड किया जाएगा, ये भी सी पैक का हिस्सा होगा। और साथ पेशावर से डी ए खान तक रेलवे लाइन बिछेगी, वो भी सी पैक का हिस्सा होगा। और साथ साथ इन्होंने हमसे ये कमेंट किया, पहले हमारा हमने 8 इंडस्ट्री जगह दिए पार्क्स के लिए, अब ये एग्री हुआ है कि हर सूबे में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, सबके लिए इक्वल शेयर मिलेंगे। तो अगर एक सबको मिलेगा तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, वो इंडस्ट्रियल पार्क में सारे फैसिलिटीज़ गैस और जो भी इंडस्ट्री की जरूरत है पूरी होंगी। तो जो कुछ बताया गया जो मिनट्स में आया हम उस पर मुतमईन हैं। और यह अकेला फैसला मैंने नहीं किया, इसमें मेरे साथ सारी पार्टीज के पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे, हर मीटिंग मौजूद रहते हैं और हमने मिलकर उनसे ये डिसीजन लिए और ये इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे।